बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी ठीक ठाक हैं। ताबाज़ यूनिट ट्रेजर वर्ल्ड में खुश आमदीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताबाज़ यूनिट ट्रेजर वर्ल्ड। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी, लाजवाब सी, चटपटी सी, मज़ेदार सी चटनी बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी बन के रेडी होती है, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन किस्म की चटनी होती है। दाल चावलों का मज़ा दोबारा कर देगी। अगर आप दाल चावल की साथ भी चटनी ट्राई करेंगे वो दोस्त लगेगी। लहसुन ले लिया था मैंने, वो चॉपर में डाल दिया है। इसमें लीमू भी शामिल करूँगी और चौरजे शामिल करूँगी। पूरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। तो इस लहसुन को हमें अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है पहले, सही है, फाइनली सा चॉप कर लेना है। बिल्कुल फाइनली चॉप करने के बाद इसके अंदर मैं कट की हुई हरी मिर्चें, यानी कि मतलब कट नहीं की थी, इसकी डंडियाँ निकाल ली थी, वो धो धा कर धोने के बाद को मैंने शामिल कर दिया है इस लहसुन के साथ ही। गोभी के साथ ही बहुत फाइनली सा चॉप कर लूँगी। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन किस्म की चटनी बन के रेडी होती है। दाल चावलों के साथ, पराठे के साथ, सुबह के नाश्ते के साथ, पराठों के साथ, रोटी चपाती नान के साथ, सबके साथ बहुत लाजवाबी चटनी लगती है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत ही ईजी और झटपट ये रेडी हो जाती है। तो बस इसको मैं जो है चॉपर में अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है, बहुत अच्छे तरीके से चॉप करना है, सही है। और ये हम चॉप कर लेते हैं और उसके बाद चॉप हो चुकी थी है, अभी सब निकाल लेंगे बॉल में। बॉल में निकाल लेंगे उसकी तो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे साथ साथ। तो लेमन था, ये लेमन मैंने ऐड कर लिया इसके अंदर। तो नमक एज पर टेस्ट जो है हसबे जायका, जो है नमक हमने ऐड किया इसमें। लेमन जूस तो अदर दो बड़े लीमू थे, सही है। ज़्यादा अर्क था, अगर कम अर्क हो तो 3-4 लीमू ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 बड़े लीमू ऐड कर दिए थे इसमें। साथ में इसके अंदर इसमें जाने वाला है ऑयल, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको आप जो है रूम टेम्परेचर पर भी आसानी से, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती चटनी, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी चटनी बन के रेडी होती है। बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन किस्म की ये चटनी होती है। तो 2 से 3 टेबलस्पून भर भर के इसमें ऑयल जाएगा। चटनी है, चटनी में ऑयल ज़्यादा जाता है ताकि चटनी ख़राब ना हो इन टेम्परेचर पर भी। तो मैंने 3 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड कर दिया था। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पर आसानी इजीली इसको रख सकते हैं। तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती चटनी। और इस तरीके से बनाइए, खाइए, खिलाइए, जय की जय करवाइए। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक उस जगह से आपको खुश होने मत, अगर आपको गुमान ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।